राजस्थान में विधानसभा चुनाव से ठीक पहले ही ईडी की रेड ने नया सियासी बवंडर खड़ा कर दिया है। राजस्थान में हुए पेपर लीक मामले में ईडी की टीम आज सुबह से ही एक्टिव नजर आ रही है। सबसे पहले राजस्थान प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा के घर ईडी ने छापेमारी की। फिर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बेटे को भी ईडी ने समन जारी कर 27 अक्टूबर को पूछताछ के लिए बुलाया है। अब ईडी की इस कार्रवाई पर कांग्रेस नेता सचिन पायलट की प्रतिक्रिया सामने आई है। सचिन पायलट ने इस कार्रवाई की कड़ी निंदा की है। सचिन पायलट ने अपने एक्स अकाउंट पर लिखा, राजस्थान कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा जी के यहाँ ईडी की रेड की मैं कठोर शब्दों में निंदा करता हूँ। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी के पुत्र वैभव गहलोत को ईडी का समन दिया गया है। वहीं सचिन पायलट ने आगे लिखा, बीजेपी इस तरह के हथकंडों से कांग्रेस के नेताओं को डरा नहीं सकती। प्रदेश कांग्रेस के सभी नेता और कार्यकर्ता एकजुटता के साथ खड़े हैं। इस प्रकार की कार्रवाई से बीजेपी की घबराहट साफ दिखाई देती है, क्योंकि जनता आगामी चुनाव में राजस्थान में फिर कांग्रेस की सरकार लाने का मन बना चुकी है। राजस्थान कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा के घर और दूसरे ठिकानों पर ईडी की कार्रवाई के बाद सियासत गर्म हो गई है। बीजेपी प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह ने कहा कि पेपर लीक मामले में बड़ी मछलियां अब तक पकड़ में नहीं आई थी, अब वो पकड़ में आ जाएंगी। वहीं सीएम गहलोत के ट्वीट पर पलटवार करते हुए कहा कि जनता को सब पता है, जनता के सामने सच्चाई बाहर आ रही है। आपको बता दें कि जिस गोविंद सिंह डोटासरा के यहाँ आज ईडी की ट्रेड हो रही है, उनकी गिनती प्रदेश में बड़े कांग्रेस के नेताओं के तौर पर होती है। गहलोत कैबिनेट में प्राइमरी और सेकेंडरी एजुकेशन विभाग में राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार रहे हैं। इस वजह से पेपर लीक मामले में विपक्ष उन पर लगातार आरोप लगा रहा था। वहीं डोटासरा इस पर सीकर जिले की लक्ष्मणगढ़ विधानसभा सीट से कांग्रेस के प्रत्याशी भी हैं। अब देखना होगा कि चुनाव से पहले ईडी की छापेमारी नतीजों पर कितना असर डालती है।